पॉल्यूशन, ओ माय गुडनेस। तो भाई क्या हाल चाल है सबकी, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया हो और बढ़िया रहना। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो बहुत दिनों बाद ऐसे घर के बाहर निकले कोरोना के टाइम के बाद। तो आज सारे दोस्त, हमारी फेयरवेल नहीं हुई थी 12th क्लास की, तो आज हमने सोचा कि ऐसे सारे दोस्त कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो हम सारे आज बाहर आए हुए थे एंड एज ऑलवेज सबसे पहले मैं, और वो लोग अभी तक तो आए नहीं, तो वेट करते हैं भी उनका थोड़ी देर में। तो आएंगे मानक वगैरह आ रहे हैं, जैसे तुमने उनको पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, तुम्हें आए हुए तो उसका तुम जानते हो। बाकी उसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगा और जहाँ घूमने जाएंगे तो तुम्हें वो भी बता दूंगा। तो चलो अभी उनका वेट करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10:30 और 11 बजे का उनको टाइम दिया था, बट स्टिल अभी तक आया नहीं। तो चलो वेट करते हैं, मिलते तुम्हें थोड़ी देर बाद। तो भाई अभी आधे घंटे बाद देखो कौन आया, इसको इतने कॉल्स किए फिर जाके आया। तो माना कैसे लग रहा है इतने टाइम बाद ऐसे बाहर घूमने। ये हमारे बैच में नहीं तो नहीं था, बट ये सबका म्यूचुअल फ्रेंड है, तो दैट्स व्हाई हम सारे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। सब इसको जानते हैं, सब मेरे को भी जानते हैं। तो अभी बाकी दोस्तों का और वेट करना है, तो पता नहीं कब तक आएंगे यार। एक तो टाइम दे रहे थे, उसके बाद आते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। दस पंद्रह मिनट पता नहीं लड़कियों के कितने ज़्यादा होते हैं, एक एक घंटा होता है, क्या बोलते हैं। चलो ठीक है, मिलते फिर तुम्हें, देखते रहो, हम भी घर बैठे हैं, तुम बैठो। तो मैं आसपास का एक बार ऑल ओवर है यहाँ पे, जैसे तुम देख रहे हो भाई, ग्रीनरी ग्रीनरी हर जगह। ये गांधी पार्क के नाम से जाना जाता है ये वाला, ये कतवाली बाजार में बस स्टैंड के साथ में। और वो जो सामने तुम्हें दिख रहा है वो है यहाँ का मॉल, जो यहाँ पे एक मॉल है, एक ही लौते ही मॉल है, जो दूसरा वाला नाम का वो भी नाम का ही मॉल है। तो चलो वेट करते हैं, तुम भी थोड़ी देर वेट करो, वो भी देखने चलेंगे फिर तुम। तो चलो फिर मिलते हैं तुम्हें थोड़ी देर में। तो भाई अभी और 45 मिनट्स वेट करने के बाद देखो कौन आया है, वैदेश, ये मेरा फ्रेंड मीनल, और वो है अरिहा। तो अभी सारे लोग आ गए, दो लोग और नहीं आए, अभी अनामिका रहती है और महक रहती है, तो उन दोनों का वेट कर रहे हैं। बाकी उसके बाद जहाँ जाएंगे तो तुम्हें बताते हैं। तो चलो थोड़ी देर अभी उनका वेट कर लेते हैं, बाकी सब आ ही गए हैं और वैसे पोज बनाने लग गए। तो भाई अभी हम लोग का प्लान बना कि हम हिमालयन मुसाफिर जाएँ, आगे एक जगह। तो मानक ने कहा कि 10-15 मिनट कैसे वॉकिंग है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं 10-15 मिनट। तो मतलब 10-15 मिनट ही चलने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, थैंक यू। तो वहीं पे चल रहे हैं अभी, और तुम ऐसे सड़क का देखते रहो टाइम लैप्स, क्योंकि यहाँ पे भाई व्यू तुम्हें अगर तो मतलब अल्टीमेट है, तुम्हें जैसे दिख रहा होगा आसपास का बहुत सही व्यू आ रहे हैं एंड हम लोग पूरा पूरा इन्जॉय कर रहे हैं। कैसे लग रहा है तुम्हें अभी एक साथ? तो चाय पी लो, वैसे तू भी बोले हरिहा शर्मा जी, हरिहा इधर आ। चलो ठीक है, जो भी है जैसे भी, अभी तुम टाइम लैप्स देखो फिर तुम्हें मिलते हैं अभी वहीं पर जाके सीधा। तो अभी 5-10 मिनट के चलने के बाद बाय वॉकिंग हम चले और हम यहाँ पे हैं। जैसे तुम बाहर का व्यू देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सही है व्यू, दिख रहा है तुम्हें ग्रीनरी ग्रीनरी। तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है भाई सबके, तो यहाँ पे भी धर्मशाला में भी गर्मी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गर्मी नहीं है, बट स्टिल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पंजाब या किसी और स्टेट में, ठीक गर्मी है, नॉर्मल है। तो बस फिर मैं ऊपर जाके और ये फ़ोन करे, वो दोनों अभी तक नहीं आए, मतलब वो आ रहे हैं, उनका थोड़ा सा डिफरेंट रूट है, तो दैट्स वाई उनको टाइम लग रहा है। तो चलो ऊपर मिलते हैं, ऊपर जाकर मिलते हैं, कुछ ऑर्डर वगैरह करते हैं और खाते पीते ऐश करते हैं। तो भाई एक घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करते करते हम यहाँ खड़े, जैसा आप देख रहे हैं ये दो लड़कियाँ, ओए हेलो हाय कर दो, ये दो लड़कियाँ, ये दोनों ने इतना लोगों को इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने आ गई थी, पर फिर भी हम करते रहे। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके कुछ खाते पीते, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। मरक लग रही है? ज़्यादा लग रही है, मेरे को भी लग रही है। चलो ऊपर चलते हैं। तो भाई फाइनली पहुँच गए, करके पता नहीं कि लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। बाहर से तो मैं एक बार व्यू चेक करवाता हूँ, ओह क्या ही नज़ारा, ब्लर हो गया वे फिर से, क्या ही नज़ारा है, नाइस। तो भाई बाकी हमने फोटोज वगैरह खिंचवा ली एंड अभी हम इधर बैठे हैं, तो मैं ओवरऑल एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है ये। तो भाई अभी हम लोग खेल रहे हैं कोई टम्बल के गेम है, तो ये खेल रहे हैं, अभी महक की टर्न है और निकलेगा निकाल लिया, नेक्स्ट माने की टर्न, मैं आउट हो चुका, मैं आउट हो गया, पता नहीं क्या हो गया। चलो
मीनल की टर्न। ये तो गिरेगा, ये वाली भी फाड़े दी, इसकी टर्न है। चल वैदेश तूने तो कम से तोड़े आपकी टर्न। अरे मैं आउट हूँ, आप नहीं हुए। जो मैं हुआ वो उसका बड़प्पन है। अरे यहाँ से टूट गया। मैं कह रहा था बड़प्पन है, कहता बड़प्पन पूरा हो गया। तो एक और गेम खेलेगा, चलो और बात तो मैं दिखाऊँ तो हरी सिंह। तो भाई मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बरखा। हम बस स्टैंड के तो बाईपास, ये मैं क्लोडगंज के बाईपास पे पड़ता है, तो जिनको पता ना हो तो बताने के लिए मैंने सोचा मैं एक बार बता दूँ। और अगर तुम्हें वो ऊपर तरफ देखे पहाड़ साइड है, तो तुम्हारे में क्लोडगंज साइड आ जाती है। तो फिर खाते पीते आश करते हैं, खा दे रहे हैं, मिलते हैं भाई। अपने खाने का सामान आ चुका है, ऐसा खाना मिले और साथ में बाहर बारिश वाला मौसम, ऊपर से भाई अलग ही सीन चल रहा है। माना कैसा लग रहा है? Are you enjoying it? So guys, फिर से फ्लड की संभावना हो सकती है। वाह 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 वाह। सर 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 प्रमोशन कर दो मेरे। हमारे भाई का भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा मैं। थैंक यू भाई। तो ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो का बना के है भाई, जो भी था जैसा भी है। तो अभी खाने का सामान आ चुका है, इसको खाते साथ में भाई प्लेट से ना भूल गया, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर जा रहे हैं। तो बाद में फोटो खिंचाने की एक हद होती है और वो हद इन लोगों ने पार कर दी है। देखो कैसे फोटो खिंचा रहे हैं। हम दोनों बेचारे शरीफ साइड पे बैठे हुए हैं, कोई फोटो पर चौकने पर साइड पे बैठे हैं। हमारे फोटोग्राफर साहब ये फोटो खींच रहे हैं, वो दोनों उधर पोज बना रही है, इधर बना रहे हैं। हमारा खाना पीना हो चुका है, हम बारिश के रुकने का वेट कर रहे हैं, कहीं और घूमने जाना था पर हमें ये देखना पड़ रहा है इसकी वजह से। बहुत दुख लगा हमें। वो कह रही है हमें भी लो, हम इतनी देर से आपको ही ले रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे चल रहा है, हम दोनों का बस खाली खड़े हुए हैं भाई। फोटो देखो कैसे खींच रहा है, प्रोफेशनल बन रहा, प्रोफेशनल। हम दोनों बैठे हुए यहाँ पे बारिश का मौसम का मजा ले रहे हैं और सामने ये देखो ये दरवाज़ा खुला हुआ है यहाँ से ठंडी ठंडी। भाई अभी हम लोग वहाँ से निकल गए एंड द थिंग इज़ कि सबको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया और साइड को लगा दिया। स्पेशली मी, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। क्यों मज़ा नहीं आया? खाना था ठीक वहाँ पे, इसको खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट द व्यू वॉज वेरी गुड। ठीक है, उसके बारे में नो डाउट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू था। और मिनल कैसे लगा तेरे को उधर? इसकी रेटिंग माइनस में है, अगर इसको बोले 5 में से रेटिंग दे तो बिल्कुल ख़राब। तो बाकी जब मैं तुम्हें बोलूँगा हिमालयन मुसाफिर, मैं इससे इनसे वो मांग रहा हूँ, रेटिंग्स मांग रहा हूँ कि तुम्हें कैसा लगा वहाँ पे जाके, कैसे एक्सपीरियंस। भाई एक होता है रेटिंग, 4 होती है, 3 होती है, मतलब 0 तक भी आ जाती है, बट एक माइनस में जो देते हैं वो अलग रेटिंग है। फिर से तो जो भी है जैसा भी, अभी हम लोग चल रहे हैं गांधी पार्क की तरफ, जहाँ से आए हैं वहीं पे अब जा रहे हैं। वो वॉक है, पॉल्यूशन, ओ माय गुडनेस, हमारे हिमाचल गंदा आ रहा है, रुकें इसको। ये तो पक्का आएगा, पक्का आएगा। तो चलो अभी चल रहे हैं और देखते हैं, अभी शायद एक मैक्सिमस मॉल है यहाँ पे जो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, तो भी वहाँ पे जाने की प्लानिंग बन रही है। तो उधर ही चलते हैं और उधर चल के कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पसंद नहीं आया इनको। और भूख बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि बारिश भी नहीं रुक रही थी और हमने सोचा कुछ और मंगाएं तो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है, इससे तो वहीं पे जाके खाएं पिएं। तो अभी वहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो मिलते हैं तुम्हें। तो भाई अभी यहाँ के नेक्स्ट मॉल में आ चुके हैं, वहाँ से नीचे कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं
चलान चलून तो होगा नहीं, बट पता नहीं जो भी सीन है। नीचे चले अभी तो नहीं, बट चलो हम लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं और नीचे में जा रहे हैं तो कपड़ों की दुकान है तो भी है। तुमने देखा होगा मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग पे, जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी जाके तुम लोग देख सकते हो। और यहाँ पे एकदम डार्क हो गई, लाइट नहीं है, जैसे बाकी सारी अभी जनता पीछे पीछे चल रही है, हम आगे आगे लोग पीछे पीछे शिवलिंग होता है अच्छा होता ना जाए। ठीक है तो बाकी कुछ ऐसा नहीं है। फिर से भाई मानक सिंह यहाँ पे लाइटनिंग की दिक्कत है, क्या करें। नीचे की तो सीन कुछ ऐसा सा है, बाहर अभी थोड़ी थोड़ी फिर से बारिश शुरू हो गई है एंड यहाँ पे अभी हम लोग कुछ बैठेंगे, थोड़ी देर खाएंगे पिएंगे, उसके बाद देखते हैं अगर बारिश रुकी। खाना पीना हो गया और खाना खा के बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं। और तो सारे दोस्तों कल पता कह दिए मानक और नामिका तो चले गए, अभी हमसे चार लोग हैं यहाँ पे जो भी हैं, तो अभी हम भी जा रहे हैं रास्ते में बस से जा रहे हैं क्योंकि और कोई हमारे पास नहीं है और बारिश अभी भी कम हुई है। तो चलो चलते घर और मिलते हैं, जैसे मैं तुम्हें खाते घर जाकर वीडियो एंड करूँगा तो वहीं पर वीडियो एंड करता है, थोड़ी देर और देखो तुम्हें मजा आया तो चलो मिलते करता है। तो भाई अभी घर आ गए जैसे मैंने तुम्हें कहा था, तो घर आ गए और घर पे अभी यहीं पर ब्लॉग को ख़त्म करते हैं आज के। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और राइट हैंड साइड में एक बेल का आइकन होगा उसको दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट तुम तक जल्दी पहुँच जाए। तब तक के लिए टेक केयर और इन्जॉय करो मेरी लाइफ। बाय बाय, लव यू ऑल।